नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल जिले में और करनाल के नागरिक अस्पताल की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो कोरोना का टीका है वो स्वास्थ्यकर्मी राम कुमार उनका नाम बताया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर टीका अभियान जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं आरम्भ हो चुकी है। काफ़ी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं इस वक्त टीका लगवाते हुए नज़र आ रही हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सर जी, जिसने वैक्सीन लगा ली वैक्सीन कौन सा चली है? ये लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल के नागरिक अस्पताल से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकती हैं कि टीकाकरण का जो प्रकरण है। लाइव तस्वीरें हम आपको हरियाणा के करनाल जिले से दिखा रही है जहां पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, काफ़ी लोग जो है कोरोना से पीड़ित थे और अब कहीं ना कहीं आप ये देख सकती हैं कि किस तरीके से सबसे पहले एक सफाई कर्मचारी को जो वैक्सीनेशन है वो लगाया गया और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको जो है अब जो ये टीका है लगाया जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य करें। करनाल के 5 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन होगा और वहीं दूसरी ओर जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी को यहां पर जो है टीका लगाया जाएगा। 100 टीका लगाने की आज बात की गई है। करनाल के जो CMO हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 100 लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं टीका लगवाने के बाद एक उत्साह जो है स्वास्थ्य कर्मियों में अवश्य देखा जा रहा है। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह देखा जा रहा है। सभी लोग इसके लिए बहुत ही खुश हैं कि उनको आज मौका मिल रहा है सबसे शुरू में लगवाने के लिए। टीका तो सभी को लगना है और सभी राज़ी भी हैं, लेकिन पहले लगा के वो सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेफ टीका है और सभी को लगवाना चाहिए। आज सेशन में, इस सेशन में 100 लोगों को टारगेट है क्योंकि पर सेशन हम लोग 100 वैक्सीनेट करेंगे। पहला टीका हमारे एक सफाई कर्मचारी हैं उनको लगा था और वो बहुत ही खुशी से उन्होंने अपना नाम आगे दिया था और उनको लगा। बहुत ही उत्साहित हैं सभी लोग, किसी को भी मना किसी ने नहीं किया है, सभी लोग चाहते हैं कि उनका पहले लगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता? सबको यही कहेंगे कि जब जैसे उनको आगे मिलेगा टीका तो उनको भी लगवाना चाहिए और वैक्सीन के लिए बिल्कुल ही आश्वस्त रहना चाहिए कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छी वैक्सीन सबको उपलब्ध करवाई है और सबको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हर एक के चेहरे पर उत्साह यहाँ पर जो है अवश्य देखा जा रहा है। आपका टीका हो गया? नहीं, मेरा इंजेक्शन लगेगा। मैं मैटर्न में सिविल हॉस्पिटल करनाल हूँ और अभी सबको लगवा दिया गया है। बड़े बड़े अधिकारियों ने लगवाया हमारे ने और बहुत अच्छा लगा सबको लगा के और एक पॉजिटिव एनर्जी आए के सबके लिए कि हमारे देश में जो है ना हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। मैं अभी वैक्सीन लगवा के आई हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सबसे पहले वैक्सीन आई है। थैंक्स टू मोदी सर, थैंक्स टू आर साइंटिस्ट। आज आई थिंक फर्स्ट 100 पीपल्स को लगाया यहाँ पे, पहले 100 मेंबर्स हैं जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट। पहला टीका किसे लगा था? आई थिंक CMO PMO सर, मुझे मालूम नहीं है। आपका नाम? आरती। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हर एक के चेहरे पर एक उत्साह अवश्य है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको यहाँ पर जो है टीका जो है वो लगाया जा रहा है। करनाल के गर्व की बात है, एक निर्णायक दौर में हमारे टाइम पहुँच चुकी है लड़ाई और इसको जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसको दूर करने के लिए सभी सीनियर ऑफिसर्स ने, मैंने अपने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ने इंजेक्शन लगवाए हैं जिससे कि लोगों को ये गलत ना फहमी ना रहो कि कोई किसी तरह की कोई वैक्सीन में की कोई दिक्कत है। तो हम बहुत सेफ़ वैक्सीन है और जब जब भी जिसकी टर्न आती है वो आप इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। तो क्या कि आपने इंजेक्शन लगवाया तो कैसा फील? तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग है। एक निर्णायक दौर में हमारा ये लड़ाई पहुँच रही है और संसार में जो सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान है हम उसका पार्ट बने हैं, इसके लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर कोई साइड इफेक्ट भी है इसके? नहीं, वो माइनर साइड इफेक्ट सभी वैक्सीन के होते हैं, वैसे हैं। अभी हम और
सभी को ऑब्जर्वेशन एरिया में रहना है, तो मैं भी अभी आधे घंटा ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठूंगा जी। लगभग 100 हर साइड पे लगेंगे, 500 के आसपास लोगों के लिए, सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं। वो अभी देखेंगे आगे, आगे मंडे से इसका प्रोग्राम बनेगा सर। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, सिविल सर्जन। वही दूसरी ओर पीएमओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने लोगों को आज टीका लगेगा? हम नहीं डॉक्टर, डॉक्टर्स भी हैं, नर्स भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, लैब टेक्नीशियन भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, क्लास फोर भी है, तो सभी 30 डॉक्टर आज लगभग लगवाएंगे। अभी पहला टीका एक सफाई कर्मचारी से, मिस्टर राम कुमार से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उसके बाद सीएमओ साहब डॉक्टर योगेश शर्मा ने और मैं पीएमओ सिविल अस्पताल करनाल ने टीके को लगवाकर एक जनता को मैसेज देने की कोशिश की है कि ये टीका सेफ है, बिल्कुल सेफ है, आप जरूर से जरूर टीका लगवाएं। हल्की फुल्की कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? ऐसे एक भ्रांति, एक मैसेज को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो सिम्टम बताए जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी को होंगे, इसका मतलब है कि किसी किसी को हो सकते हैं। अगर आपको वो सिम्टम हो तो आप तुरंत रिपोर्ट करें, ये जरूरी नहीं कि जिसको अगर टीका लगा है आपको तो सिम्टम होंगे ही होंगे, ये 1-2% लोगों में ही सिम्टम ये हो सकते हैं। तो अभी एक हफ्ते के अंदर बात करें तो कितने लोगों को टारगेट दिया गया है करनाल जिले में, कितने लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया? आज हमारे लिए 100 टीकों का टारगेट है और जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटोकॉल सेट होते रहेंगे और कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। सकते हैं उत्साह हर एक के चेहरे पर है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य करें। काफ़ी लोगों से हमने बात की, साफ तौर पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका साफ तौर पर यही कह रहा था कि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, इंतज़ार खत्म हुआ। आपको ये बताना चाहेंगे कि 5 सेंटर जो हैं वो स्थापित किए गए हैं, यानी कि 5 सेंटर पर ये जो टीका है वो लगाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से सभी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर टीका लगाया। सबसे पहले सफाई कर्मी को टीका लगाया गया और फिर उसके बाद जो है स्वास्थ्य कर्मी को यहां पर टीका लगाया गया। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाली स्टूडियो।